हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि आपके कमेंट्स और आपके प्यार और आपकी ज़रूरत को देखते हुए हमने स्टार्ट किया है मिशन 2019, जिसमें दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स और टाइप कि किस टाइप के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसी प्रयास में हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश का कोर्स, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ब। तो मैं मानता हूँ इस बात को दोस्तों कि वर्ब थोड़ा बोरिंग चैप्टर है या थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा बोरिंग है। लेकिन दोस्तों जितना वो बोरिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि अब आपके पिछले 3 बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है उसमें वर्ब से एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले वर्ब चुना, क्योंकि वर्ब बहुत बेसिक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं या आपको वर्ब आती है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल दी है, जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वर्ब के। आप उन क्वेश्चंस को लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड कर रही है और आपका लेवल क्या है। ठीक है दोस्तों, और मैंने दोस्तों कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड भी डाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कंफ्यूजिंग वर्ड दोस्तों 2015 और 2016 में लगातार 2 साल 2 बार आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हम सारी तैयारी करें, जितने भी जो भी टॉपिक है उसको एकदम कंसेप्ट से पढ़ें और उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसलिए दोस्तों उन कन्फ्यूजिंग वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो दिखने में सिमिलर होते हैं और मीनिंग भी उनकी सिमिलर होती है, इसलिए कन्फ्यूजिंग है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि हम जितनी मेहनत करते हैं, दिन रात आपके लिए करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन दोस्तों आपका प्यार हमें उतना नहीं मिला है पिछले वर्ग के टॉपिक में। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे के प्रयास में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बुधवार से यानी वेडनेसडे से लेकर आ रहे हैं आपके लिए सुपर कंसेप्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स और प्लस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने पहले एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में 5 मार्क्स का पैसेज, 5 मार्क्स की वोकैब और 10 मार्क्स की बेसिक ग्रामर आती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों वोकैब आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे पढ़ ही रहे हैं अपनी वीडियोस में, तो वोकैब अपनी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और बात रही ग्रामर की, तो यदि आप सुपर कंसेप्ट सीरीज को पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं डेली, तो आपके 10 में से 7 या 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। मैं दोस्तों आपको धोखाधड़ी नहीं करना चाहता। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि हम आपको 20 में से 20 दिला देंगे, तो दोस्तों आज तक इंडियन एयरफोर्स और नेवी के इतिहास में ऐसा कभी कभी नहीं हुआ कि किसी भी कंटेंट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो दोस्तों जो लोग आपसे ये कहते हैं कि हम 20 में से 20 दिला देंगे, वो सारी झूठी बातें हैं, क्योंकि दोस्तों ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता और ना पॉसिबल कभी हुआ है कि 20 में से 20 का कंटेंट एग्जाम में आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस सुपर कंसेप्ट सीरीज को मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, खास तौर पर उन लोगों को जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस नहीं दे पाते या उनको पैटर्न पता नहीं चल पाता एग्जाम का और वो तैयारी नहीं कर पाते, तो दोस्तों उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं भी एक ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो दोस्तों मैं इस कंडीशन को भली भांति से जानता हूँ, मैंने इस कंडीशन को फेस किया है। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कंसेप्ट सीरीज को शेयर कर दीजिएगा जितना आपसे हो सकता है, ताकि वो दोस्त भी सिलेक्शन ले पाएँ और अपने कामयाबी का जश्न मना पाएँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। बुधवार से पढ़ेंगे हम सुपर कंसेप्ट सीरीज।